हरी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप अभी मैंने अभी जो कल वीडियो डाला था उसमें आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा कि कट ऑफ का क्या सिनेरियो रहने वाला है। खैर, अब मैंने जैसा कल प्रॉमिस किया था कि मैं ऑब्जेक्शन वाली वीडियो डालूंगी कि कितने क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस रेज हुई हैं, ठीक है, और करनी ज़रूरी भी हैं क्योंकि ये चीज़ लिटरली जस्टिफाइड है। आप लोगों का हक है ये करना क्योंकि गलत दिए हैं आयोग ने क्वेश्चंस और आंसर्स भी गलत दे दिए हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी आपको इन्हीं ऑब्जेक्शंस वाले क्वेश्चन में कि जिसमें डिस्प्यूटेड हैं वो, क्योंकि उसमें ऑप्शंस भी करेक्ट नहीं है, ठीक है, और फिर भी उसके बावजूद उन्होंने कौन सा उलझुल आंसर्स निकाल दिए हैं तो उसका कुछ पता है नहीं, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने ऑब्जेक्शंस रेज कर दिए हैं, ठीक है, और अब आप भी इस चीज़ में देखिए, अगर आपने ऑब्जेक्शंस रेज नहीं किए हैं तो प्लीज़ रेज़ करिए, बिकॉज लास्ट डेट है आपकी 24th में, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, लास्ट डेट इज़ 24th में, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये एक ऑथेंटिक सोर्स है, ये घटना चक्र का है, ठीक है। घटना चक्र का इन्होंने पूरा पब्लिश कर दिया था अपने उस पर, वेबसाइट पे भी, ऐप पे भी, आप वहाँ पे भी जाके, ठीक है, इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने वहीं से लिया है। क्यों मैंने वहाँ से लिया है? बिकॉज आसानी होगी हिंदी मीडियम वाले छात्रों को समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों ने तो अब तक मतलब सर्च वगैरह कर ही लिया होगा। हिंदी मीडियम वाले छात्रों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है कि किस तरफ मतलब रहना चाहिए, क्या है क्या नहीं। तो ये एक ऑथेंटिक रिसोर्स है घटना चक्र का, तो यहाँ से अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए चीज़ों को सोचने में। अच्छा, घटना चक्र का मैंने सोचा था उनके ऐप या वेबसाइट से ही बना लूँ, लेकिन वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो नहीं पाया इसलिए मुझे ये फ़ोटो खींचनी पड़ी पापा के फ़ोन में, एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो फॉर यू, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिस पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी हुई है और बहुत ही लिटरली जस्टिफाइड है ऑब्जेक्शन रेज़ करना, और बहुत बच्चे इससे नाराज़ हुए हैं, वो था फॉरेस्ट कवर वाला क्वेश्चन, ठीक है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसमें था कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है और जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। ये दो स्टेटमेंट दी थी, आयोग ने क्या बोल दिया? दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए दोनों ही गलत हैं, ठीक है, ना तो एक सही है ना तो दो। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चंस का आंसर, अच्छा, बेस क्या होता है? कोई भी गवर्नमेंट रिसोर्स होता है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट रिसोर्स, ये बाकी आप कोई भी रिसोर्स ढूंढते रहिए उसको आयोग मानता नहीं है। आयोग मानेगा गवर्नमेंट रिसोर्स या तो PIB की रिपोर्ट हो, ठीक है, या ये रिपोर्ट जो है ISFR रिपोर्ट, ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, क्योंकि इसमें स्टेट और इंडिया, ठीक है, एज अ नेशन दोनों की रिपोर्ट्स रहती हैं, या आयोग के पिछले साल के जो पेपर होते हैं, ठीक है, आयोग के अगर पिछले साल की कोई भी अगर आंसर शीट है पिछले साल की, ठीक है, पिछले साल का अगर उनका कुछ भी अगर आंसर्स उन्होंने दिया हुआ है कहीं पे भी, तो भी वो मान्य करते हैं, अदरवाइज़ वो कुछ भी मान्य नहीं करने वाले हैं, ये बात आप ध्यान से समझ के चलिएगा, ठीक है। तो इसमें बात क्या आती है सीधा सीधा कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 66.15% भाग पर वनावरण है, मींस फॉरेस्ट कवर है, यानी टोटल वृक्षावरण का यह कुल मिला के कितना प्रतिशत पहुंचता है? 9.23%, ठीक है। यदि अभिलिखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र लिया जाए तो भी यह प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.22% ही है, तो 12.8% तो किसी भी हिसाब से होता नहीं है, तो पहली ऑप्शन वहीं पे गलत हो जाती है, ठीक है। साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का वातावरण का कुछ भाग है और न्यूनतम वातावरण वाला जिला भदोही है, मींस 3.71 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। इसके लिए इन्होंने जो बहुत सही चीज़ दी वो था पाई चार्ट इन्होंने दे दिया फॉरेस्ट कवर का, जिसमें टोटल एरिया कितना है 14817.89, ठीक है, ये है एग्जैक्ट फॉरेस्ट कवर। अब इसी के साथ ही उन्होंने टेबुलर फॉर्म भी दे दी थी, ठीक है, टेबुलर फॉर्म दिया था। टेबुलर फॉर्म में आप देख पाएंगे अच्छे से जो बलिया है उसका कितना स्क्वायर किलोमीटर्स है, 2981 स्क्वायर किलोमीटर्स है, ठीक है, और यहाँ पे नेट आपका जो स्क्रब है और चेंजेस है वो 00 में है, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट भी इनका 00 है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट भी इनका 00 है, ठीक है। आगे चलते हैं आपका, इसमें देखिए गाज़ीपुर, ठीक है ना, गाज़ीपुर भी इन्होंने दिया हुआ है, गाज़ीपुर का भी आप देख सकते हैं वो है कितना 337, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसमें भी अगर हम देखें गाज़ीपुर वाले में भी तो हमें दिख रहा है
कि 0-0 ही चल रहा है इनका भी, स्क्रब में भी और वेरी डेंस फॉरेस्ट भी और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट भी, ठीक है दोस्तों, है ना। तो ये हमें पता लग रही हैं चीज़ें कि एग्जैक्ट हैं क्या। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने टेबुलर फॉर्म में जौनपुर का भी दिया है, जौनपुर का 4038 है, ये भी अगेन मॉडरेट में है थोड़ा बहुत 10.79, बट वेरी डेंस अगेन 0-0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हर हालत में, ठीक है, ए ऑप्शन जाएगी, नीदर वन, ठीक है, नीदर वन करेक्ट नॉर टू करेक्ट, दोनों ही ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसमें इतना सोच विचार करने जैसा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी था और गलत क्योंकि दे दिया आयोग ने, ठीक है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा बच्चों में रोष का कारण है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में। हमें पता है कि वो तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, ये बात तो करेक्ट है, लेकिन क्या वो जेम्स वन के दूध के रूप में आया था भारत में, पहले तो ये, ठीक है, और आया कब था, क्या 1611 ईस्वी में आया था, नहीं वो 1611 में नहीं, 1608 ईस्वी में आया था, ठीक है, सीधा सीधा। तो इसीलिए घटना चक्र ने ये चीज़ उठा के लिखी कि विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इस प्रकार स्पष्ट है कि हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया था तथा वह जेम्स वन का दूत नहीं था, नहीं था वो जेम्स वन का दूत, ठीक है। देन उसके बाद था कि हॉकिंस को तुर्की भाषा का ज्ञान था, वो तुर्की बहुत अच्छे से बोलता था, इसीलिए सिर्फ ऑप्शन टू करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आयोग ने फिर से यही दिया है कि दोनों सही हैं, दोनों नहीं सही हैं, पहला बिल्कुल ही गलत है, दूसरा सही है, और तुर्की भाषा का ज्ञान था उसका, इससे हमें पता लगता है, ये है उसकी डायरी एंट्री, ये डायरी एंट्री है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कौन डायरी लिखता है ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, हमें तो मिलता ही नहीं है मौका, नौकरी करके आओ, परेशान रहो, तबीयत सही नहीं रहती है, फिर उसके बाद डायरी एंट्री कौन लिखे, बट अच्छी आदत है, डायरी एंट्री लिखनी चाहिए, पता रहता है कि आपने दिन भर में किया क्या। तो ये विलियम हॉकिंस की डायरी एंट्री है, उसका ये एक्सक्रिप्ट लिया है जिसमें लिखा है कि इन्वेस्टेड मी विद टू क्लोक्स, वन ऑफ फाइन वुलन, अनदर ऑफ क्लोथ ऑफ गोल्ड, गिविंग मी हिज मोस्ट काइंड लेटर ऑफ फेवर टू द किंग विच अवेल्ड मच, दिस डन ही एम्ब्रेस्ड मी, सो वी डिपार्टेड, द लैंग्वेज वी स्पोक वेल वॉज टर्किश, ठीक है, 1609 ईस्वी में उसने लिखी है ये बात। तो ऑब्वियस ही बात है 1609 से तो पहले ही आ गया होगा, मीन 1608 में आया जो हमें पता है, बट यहाँ आयोग क्या कह रहा है कि 1611 में आया, जो कि गलत है, पहली ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, केवल टू, यानी ऑप्शन स्टेटमेंट टू सही है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था संघीय बजट वाला, ठीक है, इस पर भी बहुत बवाल मचा है, मचना भी चाहिए क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं, बट आयोग ने कह दिया भैया सही है। देखिए, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही क्योंकि मैंने ये हिंदी में उठाई है, ठीक है। देखिए, मेरे को हिंदी इंग्लिश दोनों में आसानी रहती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है, तो मैं कोई अंग्रेज की औलाद नहीं हूँ कि मैं ये बोलूँ अरे भैया सारी ज़िंदगी इंग्लिश मीडियम से पढ़े, हाँ हम तो बस इंग्लिश के अलावा कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदी मुझे समझ में अच्छे से आती है, बस 10वीं के बाद हिंदी ली नहीं, इसलिए ठीक है पढ़ाई सारा टाइम स्कूली शिक्षा हमारी इंग्लिश मीडियम में ही रही, तो इसलिए भी हिंदी की मतलब लिखने वाली जो चीज़ है ना, निबंध वगैरह अच्छे से लिख लेते हैं, लेकिन अब ये कहिए कि आंसर राइटिंग हिंदी में होगा, है ना, वो चीज़ दिक्कत हो जाती है। जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं हिंदी में, जो ट्रफ्स वगैरह होती हैं, प्लेन्स वगैरह होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हिंदी में, वो ऐसे जो वो चीज़ें हैं वो लिखने में, अदरवाइज़ हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं, ऑप्शंस क्या आती हैं इसमें, कि पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई, और पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, दोनों गलत हैं, ये दोनों क्यों गलत हैं, ठीक है, इसका भी हिसाब किताब मैं बता दूँ आपको, दोनों इसलिए गलत हैं आपके, ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो संघीय बजट में आपका, ठीक है, संघीय बजट में अगर आपका देखा जाए तो हमारे पास मनरेगा से अधिक कटौती तो आत्मनिर्भर भारत योजना में कर दी थी, और जल जीवन मिशन से अधिक वृद्धि हमें हुई है, किसमें हुई है बताइए, रिफॉर्म लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ठीक है, रिफॉर्म लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंतर्गत हुई है, ठीक है। और घटना चक्र ने बहुत आसानी से डाटा भी दे दिया टेबुलर फॉर्म में कि आप देख सकें कि ये मनरेगा में 98,468 था एक्चुअल,
जल जीवन मिशन का 63,126 था एक्चुअल, स्वच्छ भारत मिशन का 1,952 था एक्चुअल, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जिसकी बात हो रही है कि कटौती मनरेगा से ज़्यादा उसमें हुई है वो हो गई है, देखिए 3,931, एंड रिफॉर्म लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम ठीक है जो कि 814 ठीक है हुआ है, वृद्धि अगर आप देखें ठीक है तो जल जीवन मिशन में एक्चुअल 70,000 हो रखा है, बजट के एस्टिमेट है ठीक है। तो ये इसमें दोनों ऑप्शंस जो हैं आपकी गलत हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था ये वाला मानव विकास संसाधन रिपोर्ट वाला ठीक है, लेकिन उससे पहले सबसे आसान वाला पकड़ते हैं, ग्रीन हाउस गैस वाला ठीक है। ग्रीन हाउस गैस में पोजीशन क्या थी भारत की, नवी, ये तो मैंने भी नवी लगाई थी और ये आयोग ने क्या ही बताऊँ मैं, एकदम वो कहते नहीं है जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिए, मेरे खुद के दो क्वेश्चंस गलत हुए आयोग के आंसर के आने के बाद, उसमें से ये क्वेश्चन है, नवा आंसर सही है ठीक है, क्योंकि CCPI की रिपोर्ट थी, सब बच्चे याद करके गए होंगे क्योंकि ये पता था कि आना ही है सवाल। और इसमें देखिए ग्रीन हाउस एमिशन में 9th रैंक पे है, पता नहीं आयोग ने क्या सोच के क्या आंसर निकाल दिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी ही है। प्लीज़ ऑब्जेक्शन रेज करिए बच्चों ठीक है, आप सभी दोस्त लोग ऑब्जेक्शन रेज करिए, ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो फ़ायदा आप ही लोगों को है, स्पेशली उनको जो बॉर्डर पे हैं ठीक है, क्योंकि एक दो नंबर से भी मेरिट बनती है पता होना चाहिए और घटती भी है, तो यहाँ तो बात 8 प्रश्नों की है, तो बड़े आसानी से अगर ये 8 प्रश्न आपके फेवर में आ जाते हैं तो आप पक्का से मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे मान के चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, तो ये मानव विकास सूचकांक में इन्होंने बोला भारत की श्रेणी वर्ष 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई, दूसरा बोल रहे हैं भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई, अगेन दोनों ही गलत हैं ठीक है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के लिए 130 से गिरकर 2021 में 132 हुई है, ना कि 2022 में, 2021 में हुई है दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको 2021 में हुई है, यहाँ टेबुलर फॉर्म में डाटा दिया है बकायदा, देखिए इंडिया की रैंकिंग ठीक है, ये दी हुई है 2019 ठीक है, 2022 2021 सब में, तो 2020 से 2021 में घटी थी वो, ना कि 2022 में, अगेन ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन बहुत बढ़िया है इसमें रेज करने वाला, बच्चों ने कर दिया रेज, आप भी करिए, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दोनों ही गलत है ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको की बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है, आंसर उसने दिया है सिर्फ रियो ग्रैंडो, आयोग ने आंसर दिया रियो ग्रैंडो, जबकि कोलोराडो भी है, तो ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, और ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है क्योंकि करेक्ट ऑप्शन ही नहीं दिए, ऑप्शन ही करेक्ट नहीं दी हुई हैं, जब बोथ करेक्ट हैं तो आपको ऑप्शन देना चाहिए बोथ बी एंड सी, दिया ही नहीं है, सिर्फ रियो ग्रैंडे कर दिया, जबकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें रियो ग्रैंडो एंड कोलोराडो दोनों नदियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको देश के सीमा पर स्थित हैं, रियो ग्रांडो दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको प्रमुख नदियों में से एक है, संभवतः उत्तरी अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी ठीक है, चौथी सबसे लंबी नदी है ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिण मध्य कोलोराडो में उत्पन्न होती है और मैक्सिको की खाड़ी में बहती है, कोलोराडो नदी दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको में प्रमुख नदियों में से एक है रियो ग्रांडो ठीक है, और ये जो है कोलोराडो नदी अमेरिका के कौन से पर्वत से निकलती है, वो निकलती है कोलोराडो के रॉकी पर्वत में शुरू होकर पश्चिम और दक्षिण में उत्तर पश्चिमी मैक्सिको में कैलिफोर्निया की गाड़ी में बहती है, और ये बेसिन रिपोर्ट और लगा दी है सपोर्ट में, बताइए और कौन सा ऑथेंटिक आपको चाहिए रिसोर्स है ना, रिपोर्ट और लगा दी है कोलोराडो रिवर की बेसिन रिपोर्ट जिसमें लिखा है द कोलोराडो रिवर बेसिन लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 250,000 स्क्वायर माइल्स, द कोलोराडो रिवर इज अप्रॉक्सीमेटली 1,400 माइल्स लॉन्ग एंड ओरिजिनेट्स अलॉन्ग द कॉन्टिनेंटल डिवाइड इन रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क कोलोराडो एंड एंड्स वेयर इट मीट्स इन द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया एंड मैक्सिको, तो दिख रहा है हमें साफ साफ कि रियो ग्रांडो के साथ साथ कोलोराडो रिवर भी है वहाँ पे ठीक है, तो ऑप्शन बी एंड सी दोनों सही हैं ठीक है, ये आपको इस पे क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जनगणना वाला ठीक है भाई, अब ये तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इस क्वेश्चन पे तो मतलब समझ में नहीं आया मुझे कि आयोग मतलब क्या सोच विचार, मतलब क्या, मतलब इन्होंने क्या सोच के, एक तो मतलब एक सवाल होता है ना कि मतलब चलो आपने सवाल पुटअप कर दिया
ठीक है, तो अगर उसमें आपको कुछ कमियां लग रही हैं तो ऑप्शंस तो कम से कम मतलब उस हिसाब से बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं है, ठीक है ना, कि मतलब एक तरीका होता है ना कि मतलब चलो कुछ कुछ तो आप बैलेंस आउट करोगे कि नहीं करोगे, है कि नहीं। ये सवाल मतलब सेंसेक्स का इन्होंने डाल तो दिया, ठीक है। अब अगर उस हिसाब से देखा जाए, कहते तो हैं कि भाई देखिए हर 10 साल पे होना था सेंसेक्स, ये पता है सबको, 10 ईयर्स पे होना था, ठीक है, और हुआ कब था, लॉर्ड मायो की शुरुआत 1872 में हुई थी। तो पहली बात तो 1872 ऑप्शन में नहीं है, 1872 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। लेकिन अब 1872 ऑप्शन में नहीं है तो हम किस पे जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन इज 1881। 1871 तो किसी भी हाल में है नहीं, ठीक है, क्योंकि नियमित जनगणना जो हुई थी, नियमित जनगणना, ठीक है, नियमित जनगणना जो हुई थी 1881 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके लिए जो घटना चक्र ने है बहुत अच्छे से दे दी है डिटेल सारी, ठीक है, जिसमें लिखा है कि इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया विद द हिस्ट्री ऑफ मोर देन 130 ईयर्स, ठीक है। 130 ईयर्स आप पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि पता होना चाहिए 2011 में लास्ट हुआ था, 2021 में होना था, कोविड की वजह से हो नहीं पाया, 2011 से पीछे कर लीजिए, है ना, पता लग ही जाएगा, ठीक है। वैसे भी एक तरीका है जिसके पास टाइम ज़्यादा हो, बट इस पेपर में तो टाइम भी तो ज़्यादा नहीं था, लास्ट तक पहुँच ही नहीं पाए कई बच्चे क्वेश्चंस के, है ना, एंड तक। खैर कोई बात नहीं, मेन मेन मोटा मोटा चीज़ कि हमें पता है 1872 में हुआ था लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो नेक्स्ट नियमित जनगणना हुई थी 1881, वो मेरे ऑप्शन में दिख रहा है, तो मैं ऑप्शन बी ही मार्क करूँगी ना, वही मुझे पता है, मैं और इधर उधर देखूँगी क्यों, है कि नहीं, मेरे को और इधर उधर नहीं देखना है। और इसके लिए आप इधर देखिए, इधर इन्होंने लिखा भी है, ठीक है, डिसाइड हुआ था बस कि 1871 में हम करेंगे, बट किया नहीं था, ठीक है, किया कब था, 1872 में, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। तो नेक्स्ट था सेंसस ऑफ 1881 विच वॉज अंडरटेकन ऑन 17 फरवरी 1881 बाई WC प्लाउडन सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, वॉज अ ग्रेट स्टेप टूवर्ड्स अ मॉडर्न सिंक्रोनस सेंसस। तो आंसर विल बी 1881, बी ऑप्शन मार्क होना चाहिए, आप ऑब्जेक्शन रेज करिए इस क्वेश्चन पे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है, ठीक है, वो था आपका निम्नलिखित में से, वही 1857 का विद्रोह, ठीक है। अब ये भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शंस ही गलत हैं भाई, दोनों ऑप्शन इसमें दिख रहा है कि लखनऊ और झांसी गलत मैच्ड हैं, तो आंसर होना चाहिए था बोथ ए एंड बी, इन्होंने दिया ही नहीं ऑप्शन ऐसा, ठीक है, क्योंकि हमें सीधे सीधे पता है, सीधे सीधे हमें पता है कि लखनऊ में 30 मई 1857 को शुरू हुआ था और इन्होंने ऑप्शन दिया 4 जून, गलत है। झांसी में जून 1857 में हुआ था, यहाँ मई में दे दी 11 मई, वो गलत है। मेरठ में 10 मई 1857 सही है, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 सही है, तो सिर्फ सी और डी तो सही है, ए और बी तो गलत है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। और यहाँ देखिए इन्होंने बना दिया टाइम लाइन दे दी, 30 मई में स्टार्ट हुई थी राइजिंग इन लखनऊ, तो ये क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को लगता है मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए, एक बार मैं देख लूँ। घटना चक्र ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फॉरेस्ट कवर वाला हो गया, हॉकिंग्स वाला हो गया, दो तीसरा ये रिवॉल्ट वाला हो गया, चौथा सेंसेक्स वाला हो गया, पांचवा कोलोराडो रिवर, ठीक है, छठा मानव संसाधन रिपोर्ट, सातवां ये ग्रीन गैस एमिशन, और ये संघीय रिपोर्ट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 8 आपके मैंने सवाल बता दिए, ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चंस आपके बता दिए मैंने, जिन पे ऑब्जेक्शंस रेज करने ही करने हैं आपको, ठीक है, 8 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस प्लीज़ रेज करिए, फटाफट करिए जाके, ठीक है। टाइम बहुत कम रह गया है, लास्ट डेट मैंने बताई आपको 24 मई है लास्ट डेट, ठीक है, उससे पहले आपको डालना है, बहुत बच्चे कर चुके हैं, ठीक है, अभी भी आपके पास वक्त है, आप प्लीज़ कर लीजिए इसको, जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये फ़ायदा होगा उन्हीं बच्चों को, उन्हीं मेरे दोस्तों को जो एकदम एज पे हैं, है ना, जो एकदम एज पे हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। क्या होगा कि मेरिट 1-2 नंबर से आउट हो जाते हैं, है ना, और यहाँ पे क्या है कि 8-8 क्वेश्चंस हैं, तो आयोग संज्ञान ज़रूर लेगा। देखिए जो सेफ साइड पे उनको दिक्कत नहीं होगी, जैसे भगवान जी की दया से, ठीक है, आप लोगों की दुआओं से, माँ बाप के भैया के आशीर्वाद से मैं भी सेफ साइड पे हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिए ताकि आप लोगों का भला हो जो एजेस पे हैं, ठीक है, एकदम एज पे बैठे हुए हैं ना। तो आयोग क्या होगा, जब देखेगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज किया है तो वो ज़रूर संज्ञान लेता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आयोग ऐसा नहीं है कि वो बच्चों का हितैषी नहीं है, ज़रूर संज्ञान लेगा इस मामले में, ठीक है। तो आप परेशान ना होइए, बिल्कुल अच्छे से एकदम दिमाग से टेंशन हटा के भगवान जी का नाम लीजिए कि सब बढ़िया हो, ठीक है, आयोग संज्ञान ले ले और इन सारे क्वेश्चंस पे जो ऑब्जेक्शन है उनको एक्सेप्ट करके करेक्ट आंसर्स बता दे, जो हमने बताया घटना चक्र के माध्यम से, ठीक है, वही सही आंसर्स हैं, और ताकि बहुत बच्चों का फ़ायदा हो जाए, ठीक है,
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेंस में बैठ पाएँ। मेरी तो यही बेस्ट विशेज़ है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ मेंस का पेपर दें इस बार UPPCS 2023 का, बहुत बड़ी खुशी होगी मुझे। ठीक है, नहीं तो बाकी बच्चे बाकी दोस्त लोग मेरे निराश ना हों प्लीज़। आने वाला RO ARO एग्ज़ाम है, BEO एग्ज़ाम है, उसके लिए भी मैं आप लोगों की गाइडेंस के लिए वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, RO ARO बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है, BEO के लिए तो सारे एलिजिबल नहीं होंगे, जो भी एलिजिबल हों वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर वो भी, और APS का भी आने वाला है। ठीक है, अगेन दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, तो बस जुट जाना है, कहीं ना कहीं तो हम सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। ठीक है कि नहीं, तो ऑफिसर तो बन के ही रहना है चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, है कि नहीं दोस्तों? ज़िद है सरकारी अफसर बनने की, माँ बाप का नाम रोशन करने की, तो वो करना ही है। ठीक है, और ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं काफ़ी मात्रा में, तो आयोग इस पर संज्ञान लेगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो भी बच्चे मेरे साथ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेरे दोस्त लोग अब जो स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, या नहीं किए हैं तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि क्या कट ऑफ क्या नहीं, अगर आप कंफर्टेबली क्लियर कर रहे हैं कट ऑफ, चाहे 2-3 नंबर से ही कंफर्टेबली क्लियर कर रहे हैं, जुट जाइए मेंस के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है क्योंकि 130 दिन के बाद मेंस है, 23 सितंबर से स्टार्ट है, और अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया आने में, 10 दिन वैसे ही निकल चुके हैं, और इधर उधर आप टेंशन में रहेंगे क्या हाई कट ऑफ, ये कट ऑफ, वो कट ऑफ क्या होगी क्या नहीं, इन सब में टाइम मत बर्बाद करिए, क्योंकि तैयारी जो भी आप करेंगे वो बर्बाद तो नहीं जाएगी, ये मान के चलिए आप। ठीक है, मेंस के लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मैंने कैसे दो बार अपना प्रीलिम्स और मेंस अपना लिखा है, 2016-2019, ये मेरी आप प्रोफाइल में भी देख सकते हैं, मैं बार बार बोलती रही हूँ, 2016-2019 का प्री और मेंस मैं लिखी थी। ठीक है, उसके बाद 4 साल का गैप आया, वो एक अलग कहानी है, कोविड हो गया था मुझे 2 बार। ठीक है, बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, बचने के भी हालात उस टाइम पे नहीं लग रहे थे, बट ठीक है, भगवान जी की कृपा रही और कुछ बातें लग गई कि अब वापस से मुड़ गई मैं अपने सिविल्स के ड्रीम को अचीव करने के लिए, कि माँ बाप का नाम रोशन करना, और कोई बात नहीं है। अदरवाइज़ मैं जिस जॉब में हूँ उस जॉब में भी मेरी 31 ईयर्स की सर्विस पेंडिंग है। ठीक है, उस पर भी हाईएस्ट पोस्ट में मैं जाती ही, बट कोई बात नहीं, सबका सपना होता है, आपका भी सपना है ना सिविल सर्वेंट बनने का, मेरा भी है, करेंगे अचीव मिलके, भगवान जी के ऊपर पूरा भरोसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जूझेंगे अपनी किस्मत से, अपनी मेहनत से सब कुछ अचीव करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा इस जर्नी में, क्योंकि एक दूसरे का हम साथ देंगे तभी सफल हो पाते हैं। अच्छा लगता है ना आपस में एक दूसरे से जानकारी ले ली, कौन किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, क्या तैयारी होगी क्या नहीं, तो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन भी होता है। ठीक है, और थोड़ा मैं ये प्रो नहीं हूँ इन सब मामलों में, यूट्यूब या टेलीग्राम वगैरह में, हमेशा पढ़ाई में ही रही, आई हैव ऑलवेज बीन ए स्टूडियस पर्सन, जिसने किताबों के बाहर दुनिया जानी नहीं ना देखना चाही, तो टेलीग्राम ग्रुप मेरे को बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है बनाने की, मैं बनाऊँगी। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है बस, थोड़ा सा मेरे को साथ दीजिए, पेशेंस बनाए रखिए मेरे साथ प्लीज़। ठीक है, बस अब चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल एक बुक लिस्ट वाली वीडियो आ जाएगी, क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी, पंडित जी हैं एक बहुत वो विनम्रता पूर्वक मुझसे रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं, श्वेता मैम हैं, अनिकिता मैम हैं, ठीक है, और बाकी काफ़ी बच्चे हैं और भी जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है, मैम अपनी स्ट्रेटजी की वीडियो डालिए, बुक लिस्ट की वीडियो डालिए, तो कल आपको बुक लिस्ट की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद मैं अपनी मेंस की स्ट्रेटजी भी शेयर करूँगी, कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी एक पूरा आपको वीडियो मिलता रहेगा, बुक लिस्ट की वीडियो आपको कल मिल जाएगी 9 बजे, ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई, 9 बजे जानी थी, ठीक है, बट वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई तो ये मुझे दोबारा से बनानी पड़ रही है, पता नहीं कुछ किन्हीं कारणों वो फॉर्मेट उन्होंने सही नहीं लिया यूट्यूब ने, क्या था पता नहीं, तो ये मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ, तो ये अब आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे से करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछिए, ठीक है, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना, गर्मी बहुत पड़ रही है तो पढ़ना भी है। ठीक है, तो अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए और तैयारी अच्छे से करिए, ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।